वेलकम बैक टू द चैनल आफ्टर ऑलमोस्ट 6 years. What? Are you serious? It's not 6 years, baby. It's 6 months. But इस लॉकडाउन में तो मुझे 6 months भी 6 years जैसे लगे हैं. This will not be a travel vlog. This will be a video in which we'll talk about the countries which are open for tourism. I know, guys. आप लोग घर बैठ के बहुत 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 ज़्यादा बोर हो रहे होंगे, just like us. But here we are with some good news. And good news is कि बहुत सारी countries हैं जिन्होंने अपना travel open कर दिया है for all the tourists. But as you know, good news never comes without any conditions. तो कंडीशंस ये हैं कि सारी कंट्रीज ने अपनी कुछ गाइडलाइन शेयर करी है जिसे हर टूरिस्ट को फॉलो करना होगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So number one on our list is Maldives, and as people call it, the sunny side of life. Yes, Maldives is one of the most beautiful island destination with some pristine beaches and luxurious resorts. इससे ज़्यादा सुंदर beaches आपको कहीं देखने के नहीं मिलते. तो अगर आप एक relaxing vacation plan कर रहे हैं या फिर आप honeymoon plan कर रहे हैं, तो Maldives should be your choice. बहुत सारी fun activities भी आप वहाँ पे कर सकते हैं. Like scuba diving, snorkeling, island hopping tours, beach party, and most importantly, winter is the best time to travel to Maldives. So you don't have any reason to say no to Maldives. Let's talk about the travel requirements. Visa on arrival है Indian citizens के लिए. तो अगर आप जाते हो तो वहाँ पर आप up to 30 days तक का visa on arrival ले सकते हो. And second is आपके पास एक कंफर्म फ्लाइट टिकट होनी चाहिए और कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट. रिपोर्ट का जो सैंपल होगा वो 72 आवर्स के अंदर लिया गया हो तभी वो वैलिड मानी जाएगी रिपोर्ट. सो 72 आवर्स बिफोर बोर्डिंग योर फ्लाइट. तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो याद रखनी है बिफोर गोइंग टू मालदीव्स. मरहबा बिकम फे दुबई. अरे वेलकम टू दुबई. ओह गॉड. सो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूएई ने अभी रिसेंटली आईपीएल ऑर्गेनाइज कराया था एंड बहुत अच्छे से मैनेज करी थी सिचुएशन. दुबई इज वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री टू ट्रैवल एंड आई थिंक 3 to 4 days वुड बी इनफ. 2 days इन दुबई, 1 day इन अबू धाबी और शारजाह. वहाँ बहुत सारे ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जैसे कि बुर्ज खलीफा, स्की दुबई, काइट बीचेस, पाम जुमेरा पैरासेलिंग, रेड ड्यून डेजर्ट सफारी. एंड अगर किसी को बहुत क्रेजी एडवेंचर करना है तो वो कर सकता है पाम जुमेरा के ऊपर स्काई डाइविंग. सो कमिंग बैक टू द रिक्वायरमेंट्स, वन ऑफ द इजीएस्ट वीजास फॉर इंडियंस जो कि आप BFS या फिर musafir.com के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं एंड उसके लिए आपको 7,000 रुपीस पे करने होंगे. सेकंड रिक्वायरमेंट इज कंफर्म फ्लाइट टिकट एंड योर होटल बुकिंग टिकट एंड थर्ड वन इज हेल्थ इंश्योरेंस. हेल्थ इंश्योरेंस इज मैंडेटरी फॉर दुबई जिसमें आपका जनरल मेडिकल केयर कवर्ड हो प्लस आपका कोविड भी कवर्ड हो एंड RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट जिसका सैंपल 96 आवर्स पहले लिया हो बिफोर लैंडिंग टू दुबई. एंड जब आप दुबई पे लैंड करते हो एयरपोर्ट पे आपको रिपोर्ट दिखानी है अपनी नेगेटिव टेस्ट की. उसके बाद आपको वापस टेस्ट कराया जाएगा RT-PCR का एंड जिसकी रिपोर्ट लगभग 20 to 48 आवर्स में आ जाती है एंड उतने ड्यूरेशन के लिए आपको होटल में क्वारंटाइन करना होगा अपने आप को. फिर वो आपको कॉल करके बता देंगे कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है. उसके बाद आप बाहर निकल सकते हो दुबई घूमने के लिए. सो द थर्ड कंट्री ऑन आवर लिस्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंट्री एंड एज पीपल कॉल इट द कंट्री ऑफ डायमंड्स. इट्स साउथ अफ्रीका. यस, साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्री है. इट्स वेरी ब्यूटिफुल एंड इन फैक्ट वी हैव बीन इन्वाइटेड बाय आवर फ्रेंड्स इन साउथ अफ्रीका. सो लियांड्रा एंड ईजे, इफ यू आर वॉचिंग दिस, यू नेवर नो, वी माइट नॉक योर डोर. So
साउथ अफ्रीका की मोस्ट टूरिस्टिक सिटीज हैं केप टाउन, जोहान्सबर्ग एंड डरबन। अगर आप सब कुछ एक ही जगह एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो साउथ अफ्रीका शुड बी योर चॉइस। जैसे कि नेशनल पार्क्स, बीचेस, माउंटेन्स, सिटी लाइफ एंड ट्रैकिंग। एंड अगर आपको सबसे बेस्ट सनसेट व्यू अगर एंजॉय करना है देन आपको जाना चाहिए केप टाउन के टेबल माउंटेन पे, क्योंकि वहां से एक अमेजिंग सनसेट व्यू आता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रैवल रिक्वायरमेंट। आपको एक साउथ अफ्रीकन वीजा चाहिए होगा जो कि आप PFS के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। देन RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट जो कि वैलिड होनी चाहिए 72 आवर्स बिफोर बोर्डिंग योर फ्लाइट टू साउथ अफ्रीका। एंड अगर आप ट्रांजिट कर रहे हो साउथ अफ्रीका जाने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप केन्या के थ्रू ट्रांजिट कर रहे हो या फिर किसी ऐसी येलो फीवर बेल्ट वाली कंट्री से अगर आप ट्रांजिट कर रहे हो तो आपको येलो फीवर वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी वहां पर शो करना पड़ेगा इमिग्रेशन पे साउथ अफ्रीका में। क्या तुम तो मम्मी में बिलीव करती हो? अपनी मम्मी में कौन बिलीव नहीं करता। अरे बाबा मैं उस मम्मी की बात नहीं, मैं मम्मीज की बात कर रहा हूँ। सो गाइस, इजिप्ट वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। तो अगर आप इजिप्ट जाते हैं तो आप पिरामिड ऑफ गीजा घूम सकते हैं, नाइल रिवर क्रूज टूर ले सकते हैं, और इजिप्शियंस म्यूजियम के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, एक से एक फैसिनेटिंग चीज़ देखने को मिलती है। तो अगर आप मम्मी रिटर्न्स के फैन हैं तो ये कंट्री देखना ज़रूर बनती है। इजिप्ट की कैपिटल सिटी कायरो, जो कि मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी सिटी है, वो है फेमस शॉपिंग के लिए। और शॉपिंग के बारे में जैसे ही मैं सुनता हूँ मुझे इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार याद आ जाता है। वहाँ पर इतनी ज़्यादा शॉपिंग हो गई थी कि हमें एक अलग से एक सूटकेस खरीदना पड़ गया था वो सारा सामान वापस लेके आने के लिए। तो बात कर लेते हैं ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स के लिए। आपको कन्फर्म्ड फ्लाइट टिकट्स, होटल और एक RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट चाहिए हैं जिसका सैंपल 96 आवर्स के अंदर लिया हो जब आप इजिप्ट में लैंड करते हैं। और लैंड करने के बाद आपका एक बार वहां पर वो टेम्परेचर लेंगे और अगर टेम्परेचर ठीक आता है तो आप आगे जा सकते हैं, अदरवाइज आपको इजिप्शियन गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हेल्थ गाइडलाइंस हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। तो गाइस ये थी एक छोटी सी ट्रैवल अपडेट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक इट, Subscribe it and comment down below.